దేశ నిర్మాణంలో అంబేద్కర్ పాత్రను తక్కువ చేసి చూపించే ప్రయత్నం జరిగిందన్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. అయితే ఆ ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమయ్యాయన్నారు. దీనంతటికీ కారణమైన ఒక కుటుంబం కంటే ప్రజల ఆలోచనని అంబేద్కర్ ఎక్కువగా ప్రభావితం చేశారన్నారు. ఢిల్లీలో నిర్మించిన అంబేద్కర్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ని మోడీ ప్రారంభించారు. సామాజిక ఆర్థిక అంశాలపై పరిశోధనకు యువతని ఎంకరేజ్ చేసే ఈ సెంటర్ ఉపయోగపడుతుందన్నారు ప్రధాని. कि उनके जाने के बाद भले बरसों तक उनके विचारों को दबाने की कोशिश हुई, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन बाबा साहब के विचारों को ऐसे लोग भारतीय जनमानस के चिंतन से कतई हटा नहीं पाए. अगर मैं ये कहूं कि जिस परिवार के लिए ये सब कुछ किया गया, उस परिवार से ज्यादा लोग आज बाबा साहब से प्रभावित हैं, तो मेरी ये बात गलत नहीं होगी. बाबा साहब के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है. दिल्ली के अलीपुर में जिस घर में बाबा साहब का निधन हुआ, वहां डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जा रहा है. इसी तरह मध्य प्रदेश के महू में जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, उसे भी तीर्थ के तौर पर विकसित किया जा रहा है. लंदन के जिस घर में बाबा साहब रहते थे, उसे भी खरीदकर महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार एक मेमोरियल के तौर पर विकसित कर रही है. ऐसे ही मुंबई में इंदू मिल की जमीन अंबेडकर स्मारक का निर्माण किया जा रहा है. नागपुर में दीक्षा भूमि को भी और विकसित किया जा रहा है. ये पंचतीर्थ एक तरह से बाबा साहब को आज की पीढ़ी की तरफ से एक श्रद्धांजलि है. इस सरकार में योजनाओं में देरी को आपराधिक लापरवाही माना जाता है. अभी सेंटर को ही देखिए, इसे बनाने के लिए निर्णय लिया गया था 1992 में, लेकिन 23 साल तक कुछ भी नहीं हुआ. जो राजनीतिक दल बाबा साहेब का नाम लेकर वोट मांगते हैं, उन्हें तो शायद ये पता भी नहीं होगा. खैर, आजकल उन्हें बाबा साहब नहीं, बाबा भोले जरा ज्यादा.